पंडितों, मरों का और जीवतों का शोक नहीं किया करते। बहुत महत्वपूर्ण है इसका सामना हम सबके साथ, हमारे परिवारों में ऐसी अवस्था, इससे अवश्य मेल मिलाप होगा। मानव जानता है जो आया है उसे अवश्य जाना है, फिर भी रोना पीटना, क्या रोने से जाने वाला रुक जाएगा? क्या रोने पीटने से वह वापस उसके प्राण आ जाएंगे, उठ खड़ा होगा? यह अज्ञान आज तक, आरंभ में कहा था, अब बड़ी गंभीरता साधक को केवल ये गाथा तो एक बार नहीं, अनेक बार इसका पठन पाठन किया है। ज्ञान वह जो भीतर समा जावे, जो स्वयं को समझ आवे। ज्ञान का तात्पर्य जो अपने अनुभव में आ जावे, अपने कर्मों में ले आवे। जन्म और मृत्यु ये जोड़े के रूप में ही आती है। ये विधि का विधान, नियम सब परिवारों में एक समान है। आज से नहीं, जब से ये संसार का आरंभ हुआ है, परंतु आज भी इस प्रकार रोना पीटना, वो चला गया, वो चला गया, क्या रोने पीटने से वापस आ जाएगा? फिर भी करता है मानव। परम पूज गुरुदेव ने कहा उसके लिए जाप करना और गंभीर हो जाना। परम पूज श्री प्रेम जी महाराज, जब श्री स्वामी जी महाराज अपने पंच भौतिक धाम से अलग हुए, वज्रासन पर बैठ गए, जब तक आत्मा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती तब तक मैं वज्रासन पर बैठकर नाम का जाप में लीन हो गए। जब अनुभूति हो गई तभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा। आज के पाठ में साधक को अपने प्यारे, उसे एक ना एक दिन अवश्य चले जाना है, यह दृढ़ता से भीतर बसा लेना होगा। जब वह समय आ जाएगा, यह जीवन का सत्यता है, कोई झुठला नहीं सकता, तब रोना पीटना उस आत्मा को कष्ट देता है, क्योंकि आत्मा लिपायमान रहती है, मोह से ग्रस्त है, किया हुआ है। उस आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है जब अपने बिलख बिलख कर विलाप करते हैं, उसको भी उस धाम में प्रवेश करने में विलंब होता है मोह के कारण, क्योंकि ये नहीं छूट पाता पूर्ण रूप से। जब वह विलाप करते हुए देखता है, वह भी बंधन के कारण और विलंब होता है उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। जब उसके प्यारे उसके लिए गंभीर भाव से जाप करते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत नियम सबके लिए है, अब आत्मा के लिए जो चला गया, अगर रोना पीटना लगा रहेगा तो आत्मा को आपने और बंधन में डाल दिया है। उसके लिए जाप करते हैं, आत्मा की खुराक है नाम सिमरन, नाम जाप, ये उसको सहायता मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आज का।
यथार्थता का ज्ञान। क्या जो जीवन की सत्यता है उसे जैसे भगवान ने कहा उसको समझना और अपने जीवन में उतार लेना। जीवन में उतार लेना, अपने व्यवहार में ले आना ही ज्ञान है, वही ज्ञानवंत है। अन्यथा प्रज्ञा बुद्धि है, बुद्धि की बातें हैं कि मैं जानता हूं, शब्द अर्थ इसका जानना ज्ञान नहीं है। अपने कर्मों में ले आना वही ज्ञान है। भगवान ने कहा पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। समबुद्धि जीवत है उनके लिए जो अपना कर्तव्य कर्म है वह चला गया। अब जीवत रहने से कोई अभिमान नहीं, जाने से कोई शोक नहीं। जो यह समझ गया, क्योंकि विचार की दृष्टि से देखना, क्या कभी सभी को आप जीवित रख पाएंगे? कितना भी रो लो, अभी से शुरू कर दो, क्या रोने से वह नहीं जाएगा कभी? या चला गया रोने पीटने से क्या वह वापस आ जाएगा? क्यों समय व्यर्थ होते हो? गंभीर हो जाओ। नाम के जाप के लिए, पाठ के लिए उस आत्मा की सहायता करो। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। कर्तव्य कर्म उसके लिए जाप पाठ में यह तेरा कर्तव्य कर्म है। आज क्या हो रहा है? कोई चला गया, सूतक पातक लग गया, घर में ज्योति नहीं जलानी, कोई भी पुण्य पाठ के कार्य नहीं करने, ये अधर्म करेगा, अज्ञान। ज्योति नहीं जलानी, यहां तक क्रियाक्रम पे ढोलक नहीं बजानी जी, वाह ये है अज्ञान। भगवान ने कहा वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में, जिस प्रकार सृष्टि नियम काम कर रहा है ऐसे ही प्राणियों का जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। अगर आज परिवार में लकड़ दादा, परदादा, दादा, लकड़ नाना, लकड़ नानी, परदादा, परदादी, ये सभी जीवित रहते, परिवार बढ़ते चले जाते, संभवतः रहने को खाने को भी किसी को कुछ ना मिलता। उनका जाना जो वर्तमान में है, उनको फलना फूलना ये भगवान ने नियम बना रखा है। उनके लिए रोना अनुचित है, उनके लिए शोक करना अनुचित है। तेरे ये वश की बात नहीं है, ये तेरे हाथ में नहीं है। कोई किसी को कितना भी संभाल कर रखना चाहे, उसने एक ना एक दिन अवश्य चले जाना है। यह ज्ञान मानव को समझ जाना चाहिए, अन्यथा गीता का पाठ और कितनी बार भी कर लो, जब तक अपने व्यवहार में नहीं आता तब तक अज्ञानी ही कहा जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मत